हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बहुत बढ़िया टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। अपना जो स्पिनिंग प्रोसेस में जो हार्वेस्ट होता है, हार्वेस्ट का कैसे अपन उसका परसेंटेज मिनिमाइज करेंगे, मतलब कम से कम बनने देंगे, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। और वो बताने से पहले सबसे पहले देखिए वेस्ट कितना प्रकार का होता है। सबसे पहले देखिए वेस्ट दो प्रकार का होता है। अपना प्रोसेस में जितना वेस्ट निकलता है दो प्रकार के होता है। एक होता है कैन बी सोल्ड, मतलब कभी अपन ये जो वैरायटी का वेस्ट है हम बेच सकते हैं, मतलब यूज में नहीं ले सकते। और कैन बी रीयूज्ड, मतलब ये जो वेस्ट है अपन यूज कर सकते हैं, मतलब इन हाउस अपन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना वो बेचने लायक नहीं रहेगा। सबसे पहले देखिए मतलब कैन बी सोल्ड में जो बेचने लायक है उसमें क्या रहता है, ब्लोरूम ड्रपिंग्स, लिक्रिन ड्रपिंग्स, फ्लैट स्ट्रिप, कुंभर नायल, हार्ड वेस्ट, फैन वेस्ट, गटर एंड फिल्टर वेस्ट, माइक्रो डस्ट। इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए ब्लोरूम ड्रपिंग कभी कभी यूज होता है, मतलब सेल मतलब बेचने के लिए तो मैंने लिखा है, लेकिन कभी कभी समझ लो आपके मिल में चल रहा है, समझ लो 40 काउंट चल रहा है, 50 काउंट चल रहा है, ब्लोरूम ड्रपिंग जो निकलता है उसमें जो फाइबर निकलेगा इसको अगर प्रोसेस कर दोगे, जो फाइबर निकलेगा मतलब 18-20-22 mm का फाइबर अगर निकलता है, इसको ओपन एंड में आप यूज कर सकते हो। तो ये से मतलब सेल करने के लिए तो बोले हुए, लेकिन इसको भी कभी कभी यूज कर सकते हो। और फ्लैट स्ट्रिप कुंभर नायल तो अपन कोर्स काउंट में जैसे 12 काउंट 14 काउंट बनाते हैं उसमें 15-20% डाल सकते हो। और जो फ्लैट स्ट्रिप है वो जैसे समझ लो 60 काउंट का फ्लैट है, आप 30 काउंट में डाल सकते हो, 24 काउंट 20 काउंट में डाल सकते हो। मतलब ये दोनों तरह का वेस्ट है, ये जो है दोनों तरह का, ये वाला और ये वाला, ये मतलब बेच भी सकते हो। और इन हाउस में अगर अपने पास प्रोग्राम है कोर्स काउंट का उसमें यूज भी कर सकते हो। उसके बाद ये फैन वेस्ट, जैसे सिंपलेस का फैन है, ड्रॉप एम का फैन है, कार्डिंग का फैन है, उसका अंदर जो शॉर्ट फाइबर जाता है और वो जो ये है इसको अपन यूज में नहीं लेते कभी। और गटर एंड फिल्टर वेस्ट वो भी कभी यूज में नहीं आता। और माइक्रो डस्ट जो होता है वो क्या होता है, जो अपना फिल्टर का सफाई करता है उसका अंदर से जो निकलता है बहुत बोरा भर भर के निकलता है, वो जो माइक्रो डस्ट होता है कभी कभी इसको बॉयलर में जलाने के लिए लोग खरीद के लेते हैं, कोई कोई अपनी ज़मीन में गड्ढा भरने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब ट्रक ट्रक भर के ले जाएंगे और डाल देंगे जहाँ पे गड्ढा है, ज़मीन नीचा है उसको भरने के लिए भी काम आते हैं, ये भी बेचा जाता है। तो ये बेचने वाला चीज़ में ये सारी चीज़ें इसमें खाली आपको जो बता ये दो चीज़ और ये ब्लोरूम ड्रपिंग ये आप यूज कर सकते हो। उसके बाद देखिए मतलब जो डिपार्टमेंट में यूज होने लायक है, जैसे लैब बिट्स ब्लोरूम एंड यूनिलैब, जैसे अपना कुंभर में जो अपन लैब लगाते या यूनिलैब से जो लैब निकलता है उसका भी कभी कभी लैब का टुकड़ा निकलता है, और ब्लोरूम का भी लैब जब टुकड़ा बचता है कार्डिंग में चलते चलते थोड़ा बच जाता है, या ब्लोरूम में डफिंग के टाइम से थोड़ा बहुत टूट जाता है, वो लैब बिट होता है, ये हमेशा यूज होता है, ये इन हाउस यूज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। स्लाइबर देखो कार्डिंग ड्रॉप एम सिंप्लेक्स कुंभर, ये जो चार प्रकार की स्लाइबर है ये स्लाइबर हमेशा प्रोसेस में यूज होता है। हाँ, इसका अपन फिक्स रेशियो बना देते हैं, इतना परसेंट डालना है मिक्सी में तो उसी हिसाब से आप डालना, और कोशिश करें ये जो चीज़ बता है स्लाइबर कभी बचे नहीं, जितना बनता रहे उतना खपत हो जाए। रोबिंग एंड में भी देखिए मैंने मार्का इसीलिए लगा रखा, तो इसमें क्या होता है रोबिंग एंड, कोई कोई एक्सपोर्ट काउंट चलाते हैं ना, एक्सपोर्ट करते हैं मटेरियल बाहर देश के लिए, वो रोबिंग एंड का वो रोबिंग ओपनर में खुलवा के डालते नहीं, इसको बेच देते हैं,
और जनरली जो डोमेस्टिक काउंट में क्या करते हैं, रोबिंग का टुकड़ा जो बचता है इसको रोबिंग ओपनर में ओपन करके इसको यूज कर लेते हैं। ये न्यूमाफिल वेस्ट हो गया, रिम फ्रेम का जो न्यूमाफिल पंखा वेस्ट है वो मतलब उसी काउंट में आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रोलर बंडा जो है इसको आप थोड़ा ब्लेंडर इसमें रोबिंग ओपनर में चला देना या ब्लेंडर में चला लेना, चला के इसको यूज कर सकते हो। वो सारे वेस्ट का अंदर सबसे इम्पोर्टेंट वेस्ट रहा हार्डवेस्ट। हार्डवेस्ट का कभी यूज नहीं होता, और हार्डवेस्ट होता है क्या होता है अपने लिए, इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो लास्ट वाला जो फाइनल ऑटोकोनर का पैकिंग्स का वहाँ से जो निकलता है वेस्ट पूरा लास्ट है। उस मटेरियल में क्या अपन पूरा अपन लेबर का कष्ट लग गया, पावर का कष्ट लग गया, और वो सारी चीज़ उसमें लग गया, अपना खर्चा लग गया। और वो अगर फिनिश्ड मटेरियल अपन खराब हो जाता है, समझ लो एक 80 काउंट का धागा आप 400 रुपया पर केजी बेचते हो, तो इसका अगर आप हार्डवेस्ट बन गया, हार्डवेस्ट बन जाएगा उसका 25 से 30% इतना अमाउंट का पैसा मिलता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवेस्ट का रेट 37 रुपया से लेके 75 रुपया तक रहता है। तो ये जो आपने जैसे 75 रुपये में समझ लो बेच भी दिया तो आपके कितना 5 गुना आपके पैसे कम मिला, तो वो सीधा मनीटरी लॉस होता है। तो इसीलिए हार्डवेस्ट के लिए हर मिल में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते कि हार्डवेस्ट कैसे काम होगा। वो सारे वेस्ट का तो काम करना जरूरी है, लेकिन हार्डवेस्ट जो है डायरेक्ट मनीटरी लॉस होता है अपना कंपनी को, तो हार्डवेस्ट इसीलिए इम्पोर्टेंट है। और हार्डवेस्ट भी कोई कोई मतलब कंपनी वाला खरीद के लेते हैं, वो इसको क्या करते हैं 50% हार्डवेस्ट 50% बी ग्रेड फाइबर, मतलब पॉलिएस्टर फाइबर हो जो भी है बी ग्रेड फाइबर मिला के इसको मिक्सिंग बना के चलाते हैं। हार्डवेस्ट खुलवाने के लिए एक रहता है गर्नेट मशीन, उसमें ऐसे टुकड़ा टुकड़ा काट देते, काटने के बाद इसको प्रोसेस करते वो सीरीज ऑफ वायर रोलर रहता है, जैसे लिक्रिन टाइप का वायर रहता है, डपट टाइप का वायर रहता है, ऐसे वायर रोलर में पास करके हार्डवेस्ट को वो लोग को रेसा बना देते हैं, मतलब रुई बना देते हैं। उसके बाद उसका 50% बी ग्रेड फाइबर लेके चलाते हैं, लेकिन बन तो गया ना अपने इंडस्ट्री में, अपना लॉस तो ले लिया, वो कोई चलाए ना चलाए हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए हार्डवेस्ट का कैसे काम करना है आज की मैटर वो रहेगा। ये सारी वेस्ट का अपन अभी भूल जाए, खाली ये बता दिया मैंने कि मतलब क्या क्या वेस्ट अपना बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अपना हार्डवेस्ट कैसे कम से कम रखेंगे उसके लिए बात चल रहा है। सबसे पहला देखिए टू टेक मैक्सिमम कप वेट आज पर मटेरियल रिंग डाया एंड लिफ्ट, मतलब अपना जो मटेरियल चलता है जैसे कॉटन चलता है या पॉलिएस्टर चलता है या विस्कस चलता है, मटेरियल के हिसाब से रिंग डाया के हिसाब से और रिंग का जो लिफ्ट का बॉबिन का लिफ्ट का हिसाब से, तो अपन कितना ग्राम स्टैंडर्ड आना है वो पहले देख लीजिए। जैसे कि मेरा एक कप कंटेंट का एक टॉपिक था, इसमें देखिएगा अगर रिंग डाया इतना है, लिफ्ट इतना है और कितना ग्राम का कप कंटेंट मैक्सिमम ला सकते हैं। अगर कटन में वो वाला फार्मूला में आप देख लिया, जैसे सिंथेटिक पॉलिएस्टर चलाओगी तो 7-8% ज़्यादा आएगा, विस्कस चलाओगी वो 2-3% ज़्यादा आएगा, जैसे ही अपना और वो पॉलीप्रोपिलीन चलाओगी तो उस पर 30% कम आएगा, तो वो बात अलग है। लेकिन कप कंटेंट अपन फुल लेना है। फुल लेने से क्या होता है, जब ऑटोकोनर स्टेज में जाएंगे नंबर ऑफ बॉबिन चेंज कम हो जाएगा, स्प्लाइस कम हो जाएगा और वो कट्स कम हो जाएगा, हार्डवेस्ट कम बनेगा। उसके बाद देखो टू प्रोड्यूस 0 डिफेक्टिव कप्स रिंग कट एबीसी रिंग कट, ये दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अपना रिम फ्रेम में एबीसी रिंग जो होता है अगर सेंटरिंग नहीं रहेगा तो बीच में वो ऐसे बॉबिन जैसे रहता है ना, देखिए ऐसे बॉबिन रहता है या बीच में कट हो गया, ये कट हो गया पूरा, इतना साफ करना पड़ेगा और धागा कितना बचेगा, इतना बचेगा, तो उसमें ये दिक्कत जाता है। रिंग कट एबीसी रिंग कट बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है रिंग फ्रेम वालों का, वो इसके कारण हार्डवेस्ट बढ़ता है और ये अवॉइड करना है।
टू रन वेस्ट से इन रिम फ्रेम्स एक्सेप्ट डंपिंग टाइम। डंपिंग टाइम छोड़ के बाकी टाइम में रिम फ्रेम में ओवरहेड क्लियर बराबर चलना चाहिए। ओवरहेड चलेगा तो ड्राफ्टिंग जोन का फ्लाई फ्लॉप साफ हो जाएगा और फ्लाई फ्लॉप साफ हो जाएगा, धागा बिल्कुल क्लीन धागा जाएगा, तो क्लीन धागा जाएगा तो नंबर ऑफ कट्स कम हो जाएगा, तो नंबर ऑफ कट्स कम हो जाएगा आपकी वेस्ट कम आएगा। यह अभी अपन रिम फ्रेम के बारे में बता रहे हैं, उसके बाद फिर अपन ऑटो कॉर्नर में कैसे काम करेंगे वो भी बताएंगे, लेकिन पहले रिंग से सही करें तब जाकर ऑटो कॉर्नर के पास जाएंगे। एडिक्वेट पेट्रोलिंग बाय साइडर टू अवॉइड डी शेप कप्स, मतलब जो कारीगर होता है, कारीगर क्या करता है, अगर पेट्रोलिंग बराबर नहीं करेगा, समझ लो पेट्रोलिंग टाइम 12 मिनट का 13 मिनट का आता है, बहुत ज़्यादा है। पेट्रोलिंग टाइम जो होता है 6-7 मिनट का होना चाहिए। एक धागा टूटा, दोबारा उसी जगह पे पहुँचते पहुँचते धागा जोड़ जोड़ के जाते जाते एक धागा जोड़ने में एवरेज कितना मिनट लगा, वो टाइम होता है पेट्रोलिंग टाइम। जिसका पेट्रोलिंग टाइम कम से कम रहता है वही जल्दी धागा बनाता है। कभी कभी पेट्रोलिंग टाइम मतलब ढीला मार देते हैं कारीगर, तो बॉबिन क्या होता है, बॉबिन ऐसे डी शेप बन जाता है। ऐसे डी शेप बन जाए, यहां धागा कम रहा तो अल्टीमेटली ऑटो कॉर्नर में एफिशिएंसी कम आएगा, कट्स बढ़ जाएगा, हार्वेस्ट बढ़ जाएगा। उसके बाद देखें टू आवर डबल गेटिंग इन रिम फ्रेम स्टेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो रिम फ्रेम से हार्डवेस्ट बनता है ये मेन कारण यही डबल गेटिंग का है, जो अपन लपेटा बोलते हैं। कारीगर क्या करता है, धागा नीचे से उठा के छल्ला में फंसा के लगाने से अच्छा समझता है, ऐसे ही अपनी मतलब यहाँ पे बॉबिन ले लेता है, वो धागा के ऊपर धागा फिर मार देता है, कोई मेंडिंग नहीं होता उसमें। धागा मेंडिंग नहीं होने के बाद वो उतना जगह उलझा हुआ रहता है, और जब ऑटो कॉर्नर में जाता है ऑटो कॉर्नर में वहाँ तक चलेगा, वो जैसे समझ लो बॉबिन यहाँ तक चला, यहाँ लपेटा मार दिया, यहाँ तक चला, इसके बाद रिजेक्शन कर देगा। रिजेक्शन जब कर देगा तो वो धागा मिलेगा ही नहीं, कहाँ पे वो गेटिंग मारा वो मिलेगा ही नहीं, तो उतना बॉबिन अपन को काटना पड़ेगा, जो बॉटम का बॉबिन उतना बचेगा वो काटना पड़ेगा। इसीलिए हर जगह डबल लपेटा सरप्राइजली चेक होता है। डबल लपेटा जिसमें जिस कारीगर का ज़्यादा आता है उसका ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो डबल लपेटा अगर ज़्यादा रहेगा तो उसमें आपकी हार्वेस्ट कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। टू अवॉइड हाई काउंट सीबी बॉबिन्स, हाई काउंट से भी बॉबिन कैसे आता है, जैसे आपकी समझ लो रिम फ्रेम का बटन रोल तो गेज कर दिया, लेकिन सैडल गेज करना ठीक से हुआ नहीं, या सैडल गेज ओवरड्यू हो गया, तो जोड़ा होता है जो होता है सैडल में ऊपर नीचे रहता है, पीछे वाला जोड़ा कभी आगे चला गया कभी पीछे चला गया, तो उसमें क्या होता है काउंट कम ज़्यादा बनता है, मतलब मोटा पतला बनता है। या अपना जैसे बैक रोल में फ्लाई लपेट गया तो बैक बटन रोल मोटा हो गया तो उसमें हेवियर काउंट आएगा, तो ऐसा अगर काउंट से भी ज़्यादा आएगा तो ये बार बार बॉबिन रिजेक्शन करेगा, बॉबिन रिजेक्शन करेगा तो उसमें भी आपकी वो बॉबिन रिजेक्शन किया, फिर कारीगर निकाला, फिर इसको थोड़ा साफ करके फिर डाल दिया, फिर रिजेक्शन किया, तो वो रिजेक्शन वाला मामला बढ़ जाता है काउंट से भी ज़्यादा होने से, तो वो भी कम से कम रहे। टू सेट प्रोसेस बाय करेक्ट बटम रोल गेज एंड ब्रेक ड्राफ्ट, ये बटम रोल गेज ब्रेक ड्राफ्ट के बारे में मैंने 2-3 वीडियो डाला अपलोड किया, आप इसको देखिएगा। अगर मटेरियल के हिसाब से आप बटम रोल का गेज या ब्रेक ड्राफ्ट सेट नहीं करोगे आपका कट्स लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और कट्स लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा अल्टीमेटली आपको हार्डवेस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद देखिए डू नॉट प्रोड्यूस टू हेवी कप्स, इट विल प्रोड्यूस रिंग कट। जैसे कि अपना रिम फ्रेम में समझ लो अपन 30 काउंट चला रहे हैं, एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, आपकी 30 काउंट चल रहा है, आप 18 टीथ पर 2 पिन चला रहे हो रैचेट, तो कारीगर क्या करेगा, मतलब कभी कभी जो लाइन चलाते हैं हेल्पर जबर क्या करते हैं, इसको 18 की जगह क्या कर देंगे, इसको 15 कर देंगे,
15 कर देंगे क्या होगा, कप कंटेंट जैसे बॉबिन इस साइज का है ना, और थोड़ा भारी हो जाएगा, भारी हो जाएगा, रिंग में टच होके चलेगा, रिंग घिस घिस के वो रिंग कट भी हो जाएगा, तो उसमें अपन को डायरेक्ट लॉस होता है। तो जो रैचेट हुईल है इसको तो जब भी शिफ्ट चेंज होता है ना, तो जॉबर हेल्पर को बोलिएगा या सुपरवाइजर को बोलिएगा, वो चेक कर लेगा कौन सा मशीन में क्या काउंट चल रहा है और क्या रैचेट हुईल है। रैचेट हुईल का ऊपर सख्त निगरानी रखना पड़ेगा, नहीं तो रैचेट हुईल कोई कोई भारी कर देगा या कोई हल्का भी कर दिया उसमें भी नुकसान है, हल्का कर देगा तो पतला टॉप आएगा, कप कंटेंट कम हो जाएगा, दोनों अपने लिए बहुत तकलीफ वाली बात है। उसके बाद देखें प्रॉपरली रिंग स्पिंडल एबीसी रिंग सेंटरिंग नीडेड, अरे LMW मशीन में अपना रिंग सेंटरिंग बोलते हैं, और इसमें अपना जो KTTM रिंग में स्पिंडल सेंटरिंग होता है वो दोनों ही अपने लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे रिंग सेंटरिंग हो या स्पिंडल सेंटरिंग हो और ABC रिंग सेंटरिंग, ये तीन चीज़ है बहुत परफेक्ट करनी चाहिए। रिंग सेंटरिंग नहीं करोगी तो रिंग फ्रेम में सेंटरिंग नहीं होगा तो रिंग कट होगा, ब्रेकेज भी ज़्यादा होगा, वही ब्रेकेज फिर अल्टीमेटली ऑटोकोनर में भी कट्स वगैरह बढ़ाएगा, ऑटोकोनर में ब्रेकेज करेगा। और अवॉइड टू टेक लाइट डब्स बाय मैनुअल डबिंग, ये भी बहुत बड़ा बीमारी है। कारीगर क्या करते हैं, लंच जाएंगे, चाय पीने जाएंगे तो हेल्पर क्या करेगा, डब गिरा देगा हल्का हल्का, ऐसे 50% 60% डब गिरा देगा, तो डब हल्का गिरा देगा तो वो तो अपनी फ्री होने के लिए गिरा दिया, लेकिन चलेगा तो आखिर ऑटोकोनर में, ऑटोकोनर में जैसे चलने जाएगा तो वहाँ नंबर ऑफ बॉबिन ज़्यादा हो जाएगा साइकिल का, और वो कट्स भी बढ़ जाएगा उसी कारण से। तो इसीलिए हल्का डब कभी नहीं लड़ेगा, हल्का डब अगर डिपार्टमेंट में कोई गिराता है उसको प्रॉपर स्लिप के साथ लिखित में ऑटोकोनर डिपार्टमेंट दिया जाए कि ये मशीन में एक तकलीफ था, हम इसको हल्का डब गिरा है, या इसमें मेंटेनेंस का फॉल्ट था, काम करना है इसलिए हल्का डब गिरा है, या क्लीनिंग में जाना है इसलिए टाइम सेट नहीं हो रहा है, अपना हल्का डब गिरा के सफाई में दे रहे, मतलब प्रॉपर रीजन के साथ ऑटोकोनर में लिख के भेजिएगा। देखिए अपना रिम फ्रेम से क्या क्या सुधार कराएंगे तब अपना हार्डवेस्ट परसेंटेज कम आएगा उसके बारे में बता रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए टू अवॉइड लो टिपियाई बॉबिन्स, सॉफ्ट बॉबिन्स या हार्ड बॉबिन जो भी है, लो टिपियाई बॉबिन जब होता है बिल्कुल कहीं टेप लूज रहता है और स्पिंडल ब्रेक जाम रहता है और जक्की पुल से नीचे खिसक के टेप चलता है या टेप पतला हो गया या टेप के अंदर फ्लाई, स्पिंडल टेप के अंदर फ्लाई रह गया, ये सब चीज़ क्लियर करके आप लो टिपियाई बॉबिन कम से कम बनाना। लो टिपियाई बॉबिन क्या करेगा, ऑटोकोन में आप डालोगे वो बिल्कुल रिजेक्ट करेगा, बार बार रिजेक्शन करेगा तो अपना कुल मिला के वो रिपीटर साइकिल बढ़ेगा और हार्डवेस्ट बढ़ेगा। स्पिंडल ब्रेक और वो स्पिंडल ब्रेक है हार्डवेस्ट एंड स्पिंडल टू क्लीन, ये लो टिपियाई का ये दो मुख्य कारण है। स्पिंडल ब्रेक का नीचे कचरा रहता है इसको सफाई करना, नहीं तो स्पिंडल रुक रुक के चलेगा। उसके बाद हार्डवेस्ट होता है जैसे अपना स्पिंडल होता है ना, ऐसे स्पिंडल का जो होता है इस पर संभल लो, इस पर स्पिंडल वार्ब है और इस पर बोल स्टार है, तो यहाँ पे वार्ब के नीचे यहाँ हार्डवेस्ट बहुत लपट जाता है। हार्डवेस्ट जो लपट जाता है वो हार्डवेस्ट बीच बीच में काटना जरूरी है, समझ लो कोर्स काउंट हुए 2-3 दिन में काट दीजिए, थोड़ा मीडियम काउंट है 6-7 दिन में काट दीजिए, फाइन काउंट है 15 दिन में काट दीजिए, कुल मिलाकर इसको काट देंगे तो क्या होगा, तो बॉबिन जो खाली बॉबिन बराबर दबेगा, प्रेस होगा नीचे तक, नहीं तो क्या बीच में हार्डवेस्ट रहेगा बॉबिन उठा हुआ रहेगा, तो बॉबिन उठा हुआ रहेगा तो नीचे का बॉबिन फट जाएगा, बॉटम स्लप अप बनेगा, ये जो होता है बॉटम स्लप अप बनता है अगर हार्डवेस्ट रहेगा। और उसके बाद देखो प्रेस एम्प्टी बॉबिन परफेक्टली ऑन स्पिंडल, वो खाली बॉबिन जो होता है बराबर, जैसे आप बॉबिन डाल दिया डबल लॉक, इसको बराबर प्रेस करने के लिए बार बार बताना पड़ेगा, ये वर्कर का अवेयरनेस के लिए आपको डबल लॉक का बीच बीच में मीटिंग लेना पड़ेगा कि बॉबिन पूरा दबाने का प्रेस करने का, नहीं तो थोड़ा हो तो जैसे बॉबिन ऐसे सब लाइन से है, एक बॉबिन ऐसे उठा हुआ तो नीचे से उतना फटा हुआ मिलेगा, ये बटन स्लॉप अप हो जाएगा और कुल मिला के इसको काटना पड़ेगा, ड्रेसिंग करना पड़ेगा, हार्डवेस्ट बनेगा और ऑटोकोनर चल भी जाता है तो उतना बॉबिन फेंक देगा, फिर पूरा पूरा काटना पड़ेगा। और वो पुट एम्प्टी बॉबिन्स एडजस्टेड
जस्ट आफ्टर डपिंग, डपिंग के टाइम में जैसे खाली भरा बॉबिन निकालेगा हाथ हाथ, उसी हाथ में खाली बॉबिन में डालते रहना। क्योंकि अगर अगर आप कभी कभी देखना जो पुराना पुराना डप्पा रहते बैट प्रैक्टिस करते, पूरा अपनी पेटी का भरा बॉबिन पहले निकाल देंगे फिर खाली बॉबिन ले लेंगे एक एक करके डालेंगे, वो गलत है। उसमें क्या होता है, अननेसेसरी धागा टूट जाता है, टूटने के बाद वो बार बार अपन गेटिंग मारना पड़ता है, गेटिंग मारेंगे फिर रग गेटिंग भी होगा, जो लंग है ये लंग गेटिंग होगा या डबल गेटिंग होगा, वो फिर अपना कुल मिला के अपना हार्डवेस्ट का बढ़ने का चांस रहता है। उसके बाद देखिए अंडर वाइंडिंग आफ्टर डपिंग मस्ट 5 कैल्स चेक ड्यूरिंग डपिंग। ये अंडर वाइंडिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे अपना कॉप अपना डॉप फुल डॉप हो गया, अपना डॉप गिरेगा उसमें क्या होता है, जब रिंग रेल नीचे नीचे आएगा लास्ट में ऐसे ही 4-5 राउंड मारेगा। 5 राउंड का अपना स्टैंडर्ड मानते हैं, 5 राउंड मतलब आप इतना धागा मान लो और वो काउंट के हिसाब से अपना सेट करते हैं कितना राउंड लेना है। तो अगर वो कम राउंड होगा तो धागा पूरा कट जाएगा, ज़्यादा होगा तो हार्डवेस्ट बनेगा। अपन को कम भी नहीं रखना, ज़्यादा भी नहीं रखना, अपन जितना रिक्वायरमेंट है उतना रखना। मतलब इतना साइज का रखोगे तो आराम से हाथ से खुल जाएगा एक बार में, ऑटोकर में और मैगजीन में डल जाएगा। ज़्यादा रहेगा हार्डवेस्ट बढ़ाएगा। उसका चेक करने का तरीका ये होता है, एक बार जैसे समझ लो आपकी 20 रिम फ्रेम है, सारे मशीन का अपना आप डब गिरने दो, गिरने के बाद 4 बॉबिन रखने का, अंडर वाइंडिंग खुल के देखने का कितना लेंथ का है, जिसमें ज़्यादा है उसको कम कीजिए, किस में कम है इसको थोड़ा बढ़ा दो, लेकिन ज़्यादा वाला सबसे पहले अटेंड करने का। वो अटेंड नहीं करोगे हार्डवेस्ट बहुत बढ़ता रहेगा। अंडर वाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद देखो टाइट बॉबिन्स, क्रैक बॉबिन्स, बेंड बॉबिन्स टू शॉर्ट आउट टाइम टू टाइम। देखो बॉबिन जो कभी कभी टाइट रहता है, अपन डफर को आप बोलते रहते हो बॉबिन दबाने के लिए, बॉबिन अंदर से टाइट है, गर्म में वो टाइट हो गया, टाइट हो गया तो बॉबिन दबेगा नहीं, दबेगा नहीं, नीचे से स्लब अप होगा, बटम स्लब अप होगा, तो बॉबिन टाइट बॉबिन बेकार रहता है, वो नहीं यूज नहीं करना चाहिए। टाइम टू टाइम शॉर्ट आउट कर दे। और वो क्रैक बॉबिन, कोई बॉबिन में थोड़ा सा जैसे समझ लो क्रैक है, वो आपने डाल दिया धागा बढ़ने के बाद टूट गया, टूट गया तो वो बॉबिन बेकार हो गया, मतलब 50-60 ग्राम का बॉबिन पूरा पूरा आपकी हार्डवेस्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्रैक बॉबिन भी नहीं रखना। बेंड बॉबिन भी ऐसा ही रहता है, बेंड बॉबिन आप डाल दोगे वो धागा बन जाएगा, फिर आप जो ऑटोकॉम में चलाने भेजोगे वहाँ टूट गया। तो ये सब चीज़ रखना नहीं, इसको बिल्कुल सख्त निर्देश देना, टाइम टू टाइम मतलब 2-4 दिन में एक बार छाँट छाँट के इसको बाहर स्क्रैप में भेज देना। कीप रिम फ्रेम मेंटेनेंस अप टू डेट एनी टाइम, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप रिम फ्रेम का वर्किंग और मेंटेनेंस जितना बढ़िया रखोगे, ब्रेकेज वगैरह कम रखोगे, गेज वगैरह करके रखोगे, हर चीज़ का अप टू डेट रखोगे तो उतना हार्डवेस्ट काम आएगा। अगर रिम फ्रेम का आप मेंटेनेंस क्लियर नहीं है, बढ़िया नहीं है, तो आप कभी हार्डवेस्ट काम करने का उम्मीद नहीं रखना। उसके बाद देखो कवर द फुल कप्स विथ पॉलीथीन सीट्स। अभी देखो जैसे अपन डपिंग हो गया, अपन रिंग ऑटोकोन के बीच में अपन मटेरियल जमाते रहते हैं, वहाँ खुला खुला डब्बा में नहीं रखना, खुला टप्पा में नहीं रखना, खुला टप्पा में रखेगा वो ऑटोकोन से रिंग से दोनों साइड से फ्लाई आके उसमें अकुमुलेट हो जाएगा, वो फ्लाई अकुमुलेट हो जाएगा वही मटेरियल, वो फिर आपकी मतलब ये बढ़ाएगा, कट्स बढ़ाएगा। तो इसको ध्यान रखिए, फ्लाई अकुमुलेट नहीं करना। उसके बाद डू नॉट पुट फुल कप्स ऑन बैग और बैम्बो बास्केट। समझ लो कभी कभी आप देखना आपके पास डिब्बा कम पड़ता है, मतलब माल रखने का जो बक्स है कम पड़ता है, और अपना सुपरवाइजर जबर बोलते अरे बोरा में भर दो, डिब्बा है नहीं रखने के लिए। तो बोरा भरना बहुत बड़ा क्राइम है। बोरा भरोगे, जब बोरा लेके जाएगा ऑटोकॉलर इसको ऐसे खींच के लेगा, जमीन पर खींच के लेगा तो नीचे जो रगड़ खाएगा बॉबिन सब घिस खराब हो जाएगा, तो बोरा में कभी नहीं रखना। और बाम्बो वाला बास्केट जो रहता है, जाली वाला बास्केट बाम्बो का, उसमें भी नहीं रखना। उसमें रखेगा तो धागा रगड़ खा खा के बीच बीच में कट जाएगा, वो पूरा पूरा बॉबिन खराब हो जाएगा, ऐसे बॉबिन कभी काम नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए डू नॉट ड्रॉप फुल कप्स ऑन फ्लोर, प्रिवेंट स्टेन्स और डैमेज।
जब जैसे अपना फूल पबिन कभी ज़मीन पे गिर गया, ये हाउसकीपिंग से रिलेटेड में आ जाएगा। हाउसकीपिंग अगर हाउसकीपिंग ख़राब है, आपकी समझ लो बॉबिन गिर गया, बॉबिन गिर गया तो उसमें तेल ग्रीज लग गया, वो स्टेल लग गया तो वो बॉबिन बेकार हो गया, पूरा पूरा बॉबिन काटना पड़ेगा। यह बॉबिन गिर गया, उसका ऊपर ट्रली चढ़ गया, वो पूरा फ्लाट हो गया, बिल्कुल ख़राब हो गया, वो भी ठीक नहीं रहता। तो इसलिए हाउसकीपिंग बराबर रखें और ट्रली का भी मेंटेनेंस बराबर रखें, मतलब ट्रली चलते चलते गिरे नहीं, जाम ना चले, बॉबिन नीचे पलट ना जाए, ये सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। वो रहेगा फिर दिक्कत जाएगा। उसके अलावा रिंग फ्रेम में और दो पॉइंट है, मैं इसमें बताता हूँ। रिंग ट्रेवलर टाइम पे चेंज करना, रिंग ट्रेवलर समय पर चेंज करना। रिंग ट्रेवलर चेंज नहीं करोगे क्या होगा, नेपी यान बनेगा, नेपी यान बनेगा तो आपके वो कट्स बढ़ जाएगा, मतलब वो बार बार खराब करेगा ऑटोकॉल में। उसके बाद स्पेसर चेक, स्पेसर चेक भी एक पॉइंट रखना। स्पेसर अगर आपकी समझ लो आपके पास 21 मशीन है, सात सात मशीन तीनों शिफ्ट में बांट दीजिए और वो उनको बोल दीजिए आप अपना अपना सात मशीन का स्पेसर कभी भी चेक करो, कभी गलत नहीं मिलना चाहिए, कभी विदाउट स्पेसर स्पिंडल नहीं चलना चाहिए। विदाउट स्पिंडल का जो अब स्पेसर चलेगा, समझ लो आपकी रिम प्रे में 9 का उस्टर आ रहा है, विदाउट स्पेसर में 17 का उस्टर आएगा, 16 का उस्टर आएगा, वो बॉबिन क्या होगा, ऑटोकॉल में जाएगा, रिजेक्शन करेगा, क्वालिटी प्रॉब्लम आएगा, वो बॉबिन ऑटोकॉल में चल के नहीं देगा, क्योंकि उसमें आईपीआई लेवल सेट रहता है, इसमें आईपीआई ज़्यादा रहेगा वो उखाड़ कर फेंक देगा। तो ऐसे स्पेसर भी बीच बीच में चेक करना बहुत ज़रूरी है स्पेसर। देखिए अपना जो हार्डवेस्ट की बात कर रहे हैं, हार्डवेस्ट जनरली हम स्टैंडर्ड 0.5 से 0.65 तक मानते हैं, और इससे भी कभी कभी कोई बहुत बढ़िया मिल है, सिस्टम वाला मिल है, 0.5 से नीचे भी ला सकता है, और वो 0.65 की जगह कभी कभी 1.2, 1.3 जहाँ पे बैड प्रैक्टिस ज़्यादा है, ऐसे रिम फ्रेम का जो पॉइंट दिखा वो सब फॉलो नहीं करते, तो उस केस में आपकी 1.23 तक भी आ जाएगा, वो कोई ये नहीं है। और ये रिम फ्रेम का जो बताया, रिम फ्रेम में वो सब चीज़ प्रिकॉशन लेना, और उसके बाद ऑटोकॉन के बारे में बताएंगे, ऑटोकॉन में कैसे हार्डवेस्ट कम किया जाएगा, और उसमें देखिए ऑटोकॉन कट्स, रिजेक्शन और रिपीटर, तीन कारण है। हम इसका डिटेल में, हम इसका दूसरा पार्ट जो बनाएंगे हार्डवेस्ट कैसे कंट्रोल करते हैं, दूसरा पार्ट में आएगा। और आज के लिए वीडियो इतना ही है, नमस्ते।